नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। पिछले महीने दिल्ली में चीन की जो महिला जासूस अपने एक भारतीय और एक नेपाली सहयोगी के साथ पकड़ी गई थी, उसके तार अब सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जुड़ते दिख रहे हैं। शिंगशी नाम की एक महिला भारत में चीन की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी, जो सिर्फ दिखावे के लिए था। शिंगशी का असली काम भारत की सुरक्षा और सरकारी नीतियों की संवेदनशील जानकारियां चीन पहुंचाने का था। उसकी नजर छोटे मोटे सरकारी विभागों पर नहीं, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर पर थी। सूत्रों के मुताबिक अपनी इस जासूस को चीन की खुफिया एजेंसी MSS यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने लंबी तैयारी के साथ दिल्ली भेजा था। 7 साल पहले उसे दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसने पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने MZ फार्मेसी कंपनी में सीधे डायरेक्टर के पद पर नौकरी शुरू की। ये कंपनी चीन के ही एक जोड़े की थी, जो अचानक शिंगशी को कंपनी की कमान सौंपकर चीन लौट गया था। शिंगशी इसी कंपनी की आड़ में भारत में चीन के जासूसों का नेटवर्क चलाने के लिए पैसे इधर से उधर कर रही थी। चीन की जासूसी के लिए हवाला के जरिए करीब 1,000 करोड़ के लेन देन में शिंगशी का पार्टनर लो शेंग नाम का एक और चीनी जासूस था। लो शेंग तिब्बत में पैदा हुआ, जिसका बचपन पूर्वी चीन के नानजिंग शहर में बीता। वहां से वो लो पेंग बनकर नेपाल पहुंचा और नेपाल से भारत आ गया। हिंदी, तिब्बती और अंग्रेजी बोलने में माहिर लो शेंग उर्फ लो पेंग को 2 साल पहले दलाई लामा की जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर छूटने के बाद उसे भारत से भगा दिया गया, लेकिन वो चीन जाकर फिर लौटा और मिजोरम के रास्ते चाली पेंग बनकर भारत में फिर सक्रिय हो गया। उसने भारत का पासपोर्ट भी बनवा लिया था, लिहाजा चीन ने उसे अपना नागरिक मानने से ही इनकार कर लिया। लू पेंग और चार्ली पेंग का सीधा कनेक्शन अब शिंगशी नाम की महिला से जुड़ चुका है। ऐसे में अब चीन के लिए अपनी साजिश पर पर्दा डालना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि शिंगशी ने चीन में अपने हैंडलर्स का चेहरा बेनकाब करना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक शिंगशी ने बताया है कि वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता की पत्नी को रिपोर्ट भेजती थी, जिसका नाम मिसेस डिंग है। चीन में मिस्टर डिंग असल में कौन है, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता का नाम डिंग शेशांग है। वो शी जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिने जाते हैं और बीते 3 साल से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय के डायरेक्टर भी। एक और जरूरी बात यह कि चीन की खुफिया एजेंसी भी वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन ही काम करती है। चीन की खुफिया चाल पर बड़ा पर्दाफाश। चीन के जासूसों ने उगले सनसनीखेज राज। शी जिनपिंग के सीक्रेट मिशन का सच। भारत के साथ सीमा विवाद को तूल देकर चीन ने तनाव की स्थिति बना रखी है। चीन ने पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बॉर्डर पर माहौल गर्मा रखा है। चीन बातचीत के साथ युद्ध की गीदड़ भभकी भी दे रहा है, तो दूसरी तरफ शी जिनपिंग और उनकी सेना हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों का पुलिंदा तैयार करने से भी बाज नहीं आ रही। हाल ही में आई एक रिपोर्ट से पता चला था कि चीन भारत की 10,000 से ज्यादा अहम शख्सियतों की जासूसी कर रहा है। ये जासूस चीन की एक कंपनी जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक के तहत काम कर रहे हैं, जिसका वहां की सत्ताधारी कम्युनिस्ट सरकार से सीधा संबंध है, और ये कंपनी उसी को रिपोर्ट करती है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है, उससे भारत की खुफिया एजेंसियां पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट हो गई। दरअसल दिल्ली से चीन के 3 जासूस पकड़े गए थे। इन जासूसों से पूछताछ करने के बाद ये पता चली कि इन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय समेत कई अन्य महत्वपूर्ण दफ्तरों से अंदरूनी दस्तावेज जुटाने का काम सौंपा गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े इन 3 जासूसों से पूछताछ करने के बाद ये भी साफ हुआ कि जासूसी किए गए दस्तावेजों को इन्हें चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रभावशाली नेता की पत्नी को भेजे जाने थे। चीन दुश्मनों के साथ जंग के नए हथियार
हाइब्रिड वॉरफेयर को आजमा रहा है, जो पारंपरिक नहीं बल्कि नए जमाने का तरीका है। इस तरह की रणनीति में जासूसी के जरिए डेटा का खेल होता है और उस डेटा के विश्लेषण के बाद दुश्मन के खिलाफ रणनीति बनाई जाती है। दुश्मन मुल्क में गलत सूचनाएं फैलाकर फसाद या हिंसा को अंजाम दिया जाता है, वित्तीय मामलों में गड़बड़ियों को अंजाम दिया जाता है और तो और देश के खिलाफ विद्रोह भड़काया जाता है। तो इसके साथ ही अब चीन जासूसी के जरिए भी अहम जानकारियां हासिल कर रणनीतिक बढ़त हासिल करना चाहता है और अपने इसी मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने इन तीन गुर्गों को काम पर लगाया था, जिसकी मास्टरमाइंड थी शिंगशी, जो चीन की नागरिक है। इसका साथ दे रहे थे शेर बहादुर, जो नेपाल का नागरिक है, और राजीव शर्मा, जो भारत का ही नागरिक है और पेशे से पत्रकार है। इन तीनों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था और अब पूछताछ में इन्होंने कई चौंकाने वाले सच से पर्दा उठाया है। शिंगशी नेपाल मूल के शेर बहादुर और भारत के राजीव शर्मा को अपने साथ मिलाकर दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय की जासूसी करवा रही थी। वो प्रधानमंत्री कार्यालय से अहम जानकारियां हासिल करने की जुगत भिड़ा रही थी। यही नहीं, चीन में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर शिंगशी पीएमओ समेत बड़े कार्यालयों और बाबुओं से महत्वपूर्ण दस्तावेज इकट्ठा करने का प्लान बनाए बैठी थी, लेकिन खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लग गई और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शी जिनपिंग के मिशन 007 का भंडाफोड़ कर दिया। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के इशारे पर जासूसी कर रहे इन तीन जासूसों से अब तक की पूछताछ में पता चला है कि ये बड़े कार्यालय में अहम पद पर बैठे अधिकारियों की जानकारी हासिल करना चाहते थे। ये पता लगाना चाहते थे कि स्टाफ में कौन किस पद पर और कितना प्रभावशाली है। इस काम में कोलकाता की एक प्रभावशाली महिला इनकी मदद कर रही थी। चीन के जासूसों को दस्तावेज इकट्ठा कर चीन की भाषा में अनुवाद करना था, जिसके बाद इन दस्तावेजों को चीन भेजने का प्लान बनाया गया था। उसकी सोच यह है कि किसी भी संस्था में जो सबसे पावरफुल व्यक्ति है, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसको फिर चीन या तो हनी ट्रैप के माध्यम से या पैसा के माध्यम से या ब्लैकमेल के माध्यम से उसको अपने पास तोड़ेगा अपनी तरफ और फिर उससे सूचना लेता रहेगा और हिंदुस्तान को कमजोर करता रहेगा। यही उसकी रणनीति है। कोलकाता की वो प्रभावशाली महिला कौन थी जो चीन के टुकड़ों पर पलने वाले इन जासूसों की मदद कर रही थी? ये प्रभावशाली महिला चीन के भेजे जासूसों की मदद कब से कर रही थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियां कोलकाता समेत कई जगहों पर लोगों से पूछताछ कर रही है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक चीन के ये तीनों जासूस अहम जानकारियां हासिल कर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता की पत्नी मिसेज डिंग और मिस्टर चाओ को देने वाले थे, जिससे ये तो साबित हो जाता है कि इन जासूसों का सीधा कनेक्शन चीन की मौजूदा सरकार से है और उसी के इशारे पर ये भारत में जासूसी कर रहे थे। सेंसिटिव जगहों की आंतरिक जानकारी वो ढूंढ रहे हैं और उनकी जासूसी टीम यहाँ सक्रिय हो गई है, तो ये पाकिस्तान से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं ध्यान रखने के बाद, क्योंकि ये एक तो आर्थिक रूप से सक्षम है, दूसरे ये है कि ये भारत को जब नुकसान पहुंचाएंगे तो उसको आर्मी से सपोर्ट करने की स्थिति में रहेंगे। इसलिए इसके बहुत ज्यादा देश को समझ जाने की जरूरत है। ये खतरा कोई मामूली खतरा नहीं, इसे बहुत समझ लें। भारत में जासूसी के साथ चीन हाइब्रिड वॉरफेयर यानी डिजिटल तरीके से सूचनाएं और जानकारियां हासिल करने की फिराक में भी है। 2014-15 में रूस ने जिस तरह क्रीमिया में बगैर किसी जंग के कामयाबी हासिल की, उसके बाद से चीन भी इस रणनीति का इस्तेमाल कर दुश्मन देशों को परास्त करने के तरीके तलाश रहा है। लेकिन तिहार जेल में बंद चीन के इन जासूसों ने पूछताछ में शी जिनपिंग की एक एक चाल का भंडाफोड़ कर दिया। इनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिर्फ पीएमओ ही नहीं बल्कि ये दलाई लामा की मूवमेंट और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। आपको बता दें कि चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दूसरे देशों में जासूसी करवाती है, चीन की एमएसएस हनी ट्रैप के साथ पैसों का लालच देकर जासूसी करवाती है। ये दूसरे देशों की अहम और गोपनीय जानकारियां इकट्ठा करने का काम करती है।
चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रिपोर्ट करती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि चीन दूसरे देशों की संप्रभुता, सुरक्षा और आंतरिक मामलों के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। सैन्य मोर्चे पर परास्त हुआ चीन भारत को जासूसी के जरिए आघात पहुंचाना चाहता था, जो किसी बड़े खतरे से कम नहीं। भारत की संप्रभुता से खतरा वतरा कोई नहीं बन सकता। चीन एक बार कोशिश कर चुका है, हिंदुस्तान की फौज कमजोर थी बात सकते हैं, और फिर भी कुछ नहीं कर पाए, तो वो तो सवाल नहीं है। लेकिन अस्थिरता तो पैदा करेंगे, झगड़ा झंझट पैदा करेंगे। जैसे आपको मालूम है, माओवादी जो कम्युनिस्ट आतंकी थे, उन्होंने पूरा का पूरा वो बाएं बाजू का टेररिज्म जो उधर किया, उससे नुकसान तो हुआ ही। फिलहाल खुफिया एजेंसियां चीन के जासूसी नेटवर्क की एक एक कड़ी की तलाश कर रही है। वो भारत में फैले चीन के जासूसों के नेटवर्क को तबाह करने में जुटी है। यही नहीं, भारतीय एजेंसियां चीन की डिजिटल जासूसी यानी हाइब्रिड वॉरफेयर को भी ध्वस्त करने में लगी है। जबकि चीन भारत के साथ साथ कई देशों के साथ उलझकर अपनी तबाही को न्योता देने का काम कर रहा है। भारत में चीन के जासूस पहली बार नहीं पकड़े गए, लेकिन इस बार भारत ने चीन की इस हरकत का करारा जवाब देने की तैयारी की है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने पहले ताइवान को खुला समर्थन दिया, अब भारत चीन के खिलाफ एक ऐसा रणनीतिक गठजोड़ तैयार कर रहा है जिससे उसकी दादागिरी पर लगाम लगाई जा सके। चीन के जासूसी कांड के जवाब में भारत का चक्रव्यूह कैसा है, ये ब्रेक के बाद देखते हैं। चीन की सेना पर एक बार फिर ताकत की नुमाइश का भूत सवार हो गया है। इस बार उसके निशाने पर ताइवान है, जिसे चीन 71 साल से अपना ही एक प्रांत बताकर कब्जा करने के लिए बेचैन है। अब से करीब 62 साल पहले चीन ने ताइवान पर हमला भी कर दिया था, जिसमें चीन और ताइवान दोनों देशों के करीब 500-500 सैनिक मारे गए थे। तब ताइवान की मदद के लिए अमेरिका और जापान सामने आ गए थे, इसलिए चीन की दाल गली नहीं। उसी समय से दक्षिण चीन सागर में ताइवान को हड़पने के लिए चीन और उसे बचाने के लिए अमेरिका की नौसेना तैनात। अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध की एक बड़ी वजह ताइवान भी है। खबर है कि चीन की सेना ताइवान को हड़पने के लिए अमेरिका से टकराने के मूड में। इसके लिए दक्षिण चीन सागर के आसपास के इलाकों में चीन ने लंबी दूरी तक मार करने वाली अपनी DF-17 मिसाइलों की तैनाती कर दी। इसे ताइवान पर हमले की उल्टी गिनती माना जा रहा है। द ताइवान टाइम्स के मुताबिक शी जिनपिंग 2022 में फिर से चीन की सत्ता पर अपने नाम की मोहर लगवाना चाहते हैं। इसलिए आशंका यही है कि 2021 में वो ताकत के दम पर ताइवान को चीन के कब्जे में करने की कोशिश कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने भी ताइवान को आगाह किया है कि वो चीन के हमले से निपटने की तैयारी कर ले। कुछ दिन पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वहां की नौसेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा था। उसी के बाद चीन ने ताइवान की ओर हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने का ऐलान किया, तो अमेरिका और ताइवान के रक्षा विशेषज्ञों का माथा ठनक गया। उनका मानना है कि चीन की ये मिसाइल ताइवान पर हमले के लिए नहीं, बल्कि ताइवान की मदद करने वाले अमेरिका और दूसरे देशों को युद्ध से दूर रखने के लिए तैनात की गई। जमीन की भूख में तबाही को निमंत्रण देता चीन। चीन की बौखलाहट पर ताइवान हुआ आक्रामक। समंदर में चौकड़ी करेगी चीन की चाल नाकाम। चीन भारत में जासूसी करा रहा है। चीन की सेना LAC पर तनाव पैदा कर रही है। तो शी जिनपिंग की सरकार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया पर अपनी दादागिरी थोपने की कोशिश कर रही है। मौजूदा समय में विस्तारवाद का पर्याय बन चुके शी जिनपिंग एशिया से लेकर यूरोप तक विवाद को हवा देकर अपनी गद्दी बचाने की कोशिश में जुटे हैं। वो अपने खिलाफ उठती बगावत की आवाजों को कुचलने के लिए झूठे राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं। भारत से मुंह की खाने के बाद शी जिनपिंग अब ताइवान से जंग की आग भड़का रहे हैं। चीन की सेना
ताइवान की सीमा के करीब अपनी मौजूदगी बढ़ाती चली जा रही है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर ताइवान पर कब्जे का सपना देख रही है। लेकिन चीन को माकूल जवाब देने के लिए अब ताइवान ने भी कमर कस ली है। भारत और अमेरिका सहित कई देशों का समर्थन मिलने के बाद अब ताइवान जो है चीन को घुटनों के बल लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए ताइवान की सेना ने एक ऐसा युद्धाभ्यास किया है जिसकी सनसनी बीजिंग तक फैल गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन से जारी तनाव को देखते हुए अब भारत ने भी उसे अलग अलग मोर्चों पर जवाब देने की तैयारी कर ली है। इसके तहत जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है उसमें जापान में हुई क्वाड की बैठक, इसके बाद नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार युद्धाभ्यास को अहम कड़ी के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी है। इसमें भारत, जापान और अमेरिका के अलावा इस बार ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन को सबक सिखाने के मकसद से ही भारत ने ताइवान से भी नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है, इसीलिए ये उसकी दुखती रग भी है। चीन चाहता है कि ताइवान के साथ कोई भी देश किसी भी तरह के संबंध ना रखे, लेकिन भारत ने ताइवान को समर्थन देकर चीन के सामने साफ कर दिया है कि अगर वो उसके अंदरूनी मामलों में दखल देगा तो भारत भी कूटनीति की बिसात पर उसे घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। शायद यही वजह है कि अब ताइवान के भी हौसले बुलंद हैं और वो चीन को सबक सिखाने की तैयारियों में जुट गया है। दक्षिण चीन सागर में चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए ताइवान की वायुसेना ने जंग की तैयारी तेज कर दी है। ताइवान की वायुसेना ने अपना सालाना हवाई युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस दौरान ताइवान की एयर डिफेंस सिस्टम को किसी भी हमले से निपटने के लिए परखा गया। ताइवान की 35 mm की तोपों ने लड़ाकू विमानों को आसमान में मार गिराने का अभ्यास किया। चीन से लगातार हो रहे हवाई अतिक्रमण के बीच ताइवान की वायुसेना अपने वायु क्षेत्र की रक्षा के लिए तैयार है। ताइवान की वायुसेना ने हवाई अभ्यास के दौरान शूटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की। ताइवान सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट ने रात में भी जोरदार तरीके से गोले दागकर अपनी क्षमता से चीन को हिला दिया। इस दौरान ताइवान के रडार सिस्टम ने आसमान पर कड़ी निगरानी रखी। यही नहीं, ताइवान वायुसेना के फाइटर जेट ने हुआलियन स्थित जियाशान एयरबेस पर भी युद्धाभ्यास किया, जिसमें F-16 स्वदेशी रक्षा विमान मिराज 2000 और P-3C विमानों ने हिस्सा लिया। चीन की सोच है कि ताइवान वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान उसका इलाका है, हालांकि दोनों की जो आइडेंटिटी है वो मिलती नहीं है। चाइना है कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ है प्रजातंत्र। तो सोचने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, सोशल सिस्टम, सोशल वैल्यूज, वो सब भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। ये दोनों में तो मेल हो ही नहीं सकता। ताइवान के जरिए चीन खुद को समंदर का शहंशाह साबित करना चाहता है, लेकिन ताइवान के आक्रामक अंदाज और हर मोर्चे पर हिंदुस्तान से पिटने वाले चीन के लिए एक और बुरी खबर है। बुरी खबर ये कि समंदर में चीन की इंटरनेशनल घेराबंदी होने जा रही है। भारत, जापान, अमेरिका और अब ऑस्ट्रेलिया मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। ये चारों क्वाड के सदस्य हैं, जिसका नाम सुनते ही शी जिनपिंग की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि चोरी छिपे चीन कोरोना के बीच सैन्य विस्तार कर रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई उसकी राह में रोड़ा बने, लेकिन साल के अंत में होने जा रहे भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना का युद्धाभ्यास बेहद अहम हो जाता है, जिसमें पहली बार ऐसा होगा कि क्वाड के सभी सदस्य देश हिस्सा लेंगे और नीले पानी में चीन को घेरने की रणनीति तैयार करेंगे। हालांकि चीन ने अब भी अपने तेवर ढीले नहीं किए हैं। चीन अब भी ताइवान से उलझने की गीदड़ भभकी दे रहा है। वो इस मुगालते में है कि ताइवान के साथ कोई खड़ा नहीं होगा, जबकि हकीकत तो यह है कि सिर्फ क्वाड देशों का समूह ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और देश भी चीन की इस मनमानी के खिलाफ हैं और जरूरत पड़ने पर उसे सबक भी सिखाएंगे। मतलब यह है कि चीन की एक गलती महायुद्ध का सबब भी बन सकती है। यदि ऐसा जो आदमी जो निष्क्रिय है, जो पावरफुल नहीं है, उस पर वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, उस पर पैसा खर्च नहीं करेगा, लेकिन जो बहुत पावरफुल है,
शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, उसको घेर के वो अपना सब साम दान दंड भेद इस्तेमाल करेगा उसको ब्लैकमेल करने के लिए। और एक बार वो फंस गया फिर तो वो दलदल में फंस गया, वो तो चीन के फिर चंगुल से निकल नहीं सकता है। तो ये मुख्य उद्देश्य है। भारत को घेरने के लिए चालबाज चीन सालों से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पर काम कर रहा है। चीन दक्षिण एशिया के छोटे छोटे देशों में सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अड्डों का निर्माण कर रहा है, लेकिन अब चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। भारत भी चीन को घेरने के लिए ताइवान के साथ साथ दक्षिण चीन सागर में विवाद को कूटनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और यही फिलहाल चीन की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की पुलिस ने वहां की सर्वशक्तिमान सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। कराची की सड़कों पर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान रेंजर्स और कराची पुलिस के बीच घमासान छिड़ चुका है। सेना और पुलिस के बीच गोलीबारी हो रही है। रिहायशी इलाकों में भी धमाके शुरू हो चुके हैं। कुल मिलाकर सिंध प्रांत में अभूतपूर्व गृह युद्ध जैसे हालात दिख रहे हैं। ये नौबत वहां इसलिए आई क्योंकि इमरान खान की कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिंध पुलिस की इज्जत सरेआम नीलाम करवा दी थी। कराची में विपक्षी दलों के गठबंधन की रैली के बाद नवाज शरीफ के दामाद सफदर अवान को गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तान की सेना ने सिंध प्रांत के सबसे बड़े पुलिस अफसर की कनपट्टी पर बंदूक रख दी। सिंध पुलिस के आईजी मुश्ताक महार को पाकिस्तान की सेना ने कराची रेंजर्स के जरिए अगवा करवाया, बंधक बनाकर उनसे मरियम नवाज के पति सफदर के अरेस्ट वारंट पर दस्तखत कराए गए। अपनी बेइज्जती के बाद सिंध के आईजी ने लंबी छुट्टी पर जाने का ऐलान किया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना की करतूत सामने आई। अपने आईजी साहब के साथ पाकिस्तानी फौज की कारस्तानी से सिंध प्रांत के पुलिस अफसरों का खून खौल उठा। एक दिन पहले ही सिंध प्रांत के 2 AIG, 7 DIG, SP रैंक के 6 अफसरों ने छुट्टी पर जाने का ऐलान कर दिया था। वहां बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी की सरकार है, इसलिए बिलावल ने भी फोन पर जनरल बाजवा और ISI के चीफ से बात की। मामला बिगड़ता देखकर जनरल बाजवा ने पाकिस्तान की आर्मी के कराची कोर के कमांडर को फौरन जांच करने का हुक्म दिया। हालांकि जनरल बाजवा इसमें भी खेल कर गए। उन्होंने कराची मामले की जांच का हुक्म तो दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि कौन से मामले की जांच करनी है। इस बीच पाकिस्तान की सेना ने सिंध प्रांत की सरकार को बर्खास्त करने का प्लान भी तैयार कर लिया था, लेकिन तभी कराची की सड़कों पर पुलिस और सेना के बीच युद्ध शुरू हो गया। खबर है कि जनरल बाजवा अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए जांच के नाम पर सिंध पुलिस का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश में जुटे हैं। जांच का आदेश जारी होने और सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री के समझाने पर वहां के आईजी और दूसरे पुलिस अफसरों ने छुट्टी पर जाने का फैसला टाल दिया। सिंध के आईजी ने अपने मातहत अफसरों को कहा है कि जांच का नतीजा आने तक अगले 10 दिन तक इंतजार करो। इसे पाकिस्तान की सेना को सिंध पुलिस का अल्टीमेटम माना जा रहा है। पाकिस्तान में भड़के बगावत के शोले, कहीं गोलियों की गूंज, कहीं बारूद के धमाके, कराची की सड़कों पर छिड़ा गृह युद्ध। पाकिस्तान सेना और सिंध पुलिस के बीच संग्राम। पाकिस्तान में 18 अक्टूबर से शुरू हुआ सियासी संकट महज 72 घंटों में ही गृह युद्ध में बदल गया। कराची की सड़कों पर आग लग गई। पाकिस्तान सेना और पुलिस के बीच सड़क पर जंग शुरू हो गई। शहर में धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी और कुछ घंटों में पूरे शहर में चीख पुकार मच गई। पाकिस्तान के मशहूर शहर कराची में हुआ यह धमाका उस गृह युद्ध का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें पूरा शहर ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान जल उठा है। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है कि सेना और सेना प्रमुख के खिलाफ सड़क पर नारेबाजी हुई है। गोड़ी, 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 गोड़ी,
कराची में जनता सेना के खिलाफ सड़क पर आई। सेना प्रमुख जनरल बाजवा के खिलाफ गो बाजवा के नारे लगाए गए। सेना से नाराज प्रदर्शनकारियों ने तो कराची में बाजवा के रिश्तेदारों की दुकानों को चुन चुन कर आग के हवाले कर दिया। पूरे शहर में सेना के खिलाफ नारेबाजी का शोर गूंजने लगा। कराची में एक तरफ पाकिस्तान सेना के खिलाफ बगावत के नारे लगे तो दूसरी ओर पूरे शहर में धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। कुछ ही घंटे के अंदर कराची में अलग अलग जगहों पर दो बड़े धमाकों का शोर सुनाई दिया, जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई। जख्मियों की तादाद आती जा रही है, 15 जख्मी है, 3 जाबाग हैं, 1-2 अफराद की लाशें मैंने खुद देखे हुए, तो जख्मियों की तादाद देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ना सिर्फ इस इमारत या बैंक के अंदर मौजूद अफराद बल्कि जो बाहर से गुजरने वाले थे वो भी इससे मुतासिर हुए होंगे। हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन जो हतमी रिपोर्ट बनाई जाएगी उसमें बताया जाएगा कि जो जख्मी हुए थे वो इस इमारत के कितने थे, इस बैंक के अंदर कितने थे, जो अपना डेबिट या क्रेडिट कराने के लिए आए हुए होंगे या किसी और दफ्तरी अमूर से आए होंगे। कराची में पाकिस्तान सेना के खिलाफ भड़के गुस्से का ये सिर्फ एक पहलू था, लेकिन इसका दूसरा पहलू और भी खौफनाक है, क्योंकि पाकिस्तान सेना के खिलाफ सिर्फ जनता ने ही बगावत बुलंद नहीं की है, बल्कि कराची में तो वर्दी वालों के बीच ही जंग छिड़ गई। जंग सिंध प्रांत की पुलिस और पाकिस्तान सेना के बीच छिड़ी। कराची में पुलिस और सेना के बीच गोलाबारी हुई। सड़क पर ही पुलिस और फौज के बीच संग्राम छिड़ गया। सिंध पुलिस के जवानों और पाकिस्तान सेना के सैनिकों को निशाना बनाया गया और सैनिकों ने भी पुलिस पर गोलियां बरसाई। इस गोलाबारी में कई लोगों की मौत भी हुई। कराची की सड़कों पर गृह युद्ध 20-21 अक्टूबर की रात में छिड़ा। देखते ही देखते हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस और सेना के बीच में गोलाबारी शुरू हो गई। ये खबर जैसे ही प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल बाजवा को मिली तो सबसे पहले इन लोगों ने मीडिया का गला दबाया। मीडिया को ये साफ संदेश दिया गया कि इस गोलाबारी से जुड़ी किसी भी खबर को दिखाने के लिए सेना से इजाजत लेनी होगी। सड़क पर सेना और पुलिस के बीच गोलाबारी शुरू होते ही पूरे कराची में आपातकाल लागू हो गया। इमरान खान ने सिंध प्रांत के गवर्नर को इस्लामाबाद बुला लिया और उन्हें सिंध में पीपीपी की सरकार को तुरंत बर्खास्त करने का हुक्म देकर वापस कराची भेजा। लेकिन गवर्नर के कराची पहुंचते पहुंचते हालात फिर बदल गए और उन्हें बिलावल भुट्टो की पार्टी की सरकार को बर्खास्त करने का फैसला बदलना पड़ा। तब तक कराची ही नहीं पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार और बाजवा की सेना के खिलाफ बगावत के शोले भड़क उठे और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर कराची के पल पल बदलते हालात पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। पाकिस्तान में शुरू हुए गृह युद्ध की आग अब भी जल रही है। इमरान खान की सरकार और पाकिस्तान सेना के खिलाफ जनता का उबाल लाख कोशिशों के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस गृह युद्ध की चिंगारी भड़की कैसे। दरअसल इमरान खान के खिलाफ 11 विपक्षी दलों ने मोर्चा बनाया है। विपक्ष का गठबंधन देश भर में इमरान सरकार के खिलाफ रैलियां कर रहा है। 18 अक्टूबर को कराची में गठबंधन के नेताओं ने एक रैली की। उसकी अगली सुबह यानी 19 अक्टूबर को पुलिस ने पीएमएल नेता और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के पति कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस होटल में मरियम के कमरे का दरवाजा तोड़कर दाखिल हुई और सफदर को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी को लेकर बात इतनी बढ़ी कि गृह युद्ध छिड़ गया। मरियम नवाज के पति की गिरफ्तारी को लेकर जनता का गुस्सा भड़कने की सबसे बड़ी वजह इमरान खान और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा की दादागिरी है। दरअसल इमरान को विपक्ष के गठबंधन की मुहिम से अपनी कुर्सी खतरे में नजर आने लगी। गठबंधन के नेताओं ने खुलेआम इमरान को सेना की कठपुतली करार दिया। वो आपसे मुखातिब नहीं होता, वो हमसे मुखातिब होता है और अवाम तो और या वो उनसे मुखातिब होता है जो उसको लेकर आए हैं। अवाम से वो मुखातिब नहीं होता। मैं ना इमरान खान का नाम लेना पसंद करती हूं, ना उस जाली इंसान को मैं वजीर आजम मानती हूं, ना मैंने उसकी जाली हुकूमत को कभी तस्लीम किया है। सरकार और सेना के खिलाफ तेज हुई विपक्ष की मुहिम को दबाने के लिए इमरान खान और बाजवा की जोड़ी ने पर्दे के पीछे रहकर अपनी साजिशों को अंजाम देना चाहा। इसके लिए साजिश भी बेहद शातिर तरीके से रची गई थी, लेकिन इमरान और बाजवा की साजिश के मोहरे एक ऑडियो क्लिप और एक वीडियो के सामने आने से ढेर हो गए। इसी के बाद कराची में ऐसी आग लगी
कि पाकिस्तान सेना को अपने ही देश में हथियार डालने पड़े। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ पुलिस का विद्रोह कोई मामूली घटना नहीं है। वहां की पुलिस को मालूम है कि पाकिस्तान की आर्मी से टकराना आत्महत्या करने के बराबर ही है। हथियार, संख्या, ट्रेनिंग, किसी भी मामले में सिंध पुलिस के जवान पाकिस्तान की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर भी वो मरने मारने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी हालत उस चींटी की तरह है जो कुचलने से बचने की कोशिश करती है और अंत में कुचले जाने से पहले काट भी लेती। पाकिस्तान में तो बड़े बड़े नेताओं को भी वहां की सेना चींटी से ज्यादा नहीं समझती। फिर नेताओं के इशारे पर काम करने वाली पुलिस की पाकिस्तान में क्या हैसियत हो, आप अंदाजा लगा लीजिए। सिंध नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर प्रांत का हाल यही है कि आर्मी के अफसर उन्हें चौराहे पर पीट देते हैं। 4 साल पहले खैबर पख्तूनख्वा में एक तस्वीर वायरल हुई थी। वहां ट्रैफिक पुलिस के 4 जवानों ने पाकिस्तान की सेना के एक अफसर को तेज रफ्तार गाड़ी चलाते रोका था, जिससे नाराज होकर उस आर्मी अफसर ने अपने रंगरूटों को बुलाया और पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पिटवाया था। जिस कराची में पुलिस और पाकिस्तान आर्मी के बीच जंग छिड़ी है, वहां बीते 7 साल से पुलिस की हालत सेना और रेंजर्स के गुलामों जैसी है। कराची में गुंडों, डकैतों, भाड़े के हथियारों का खात्मा करने के लिए विशेष अध्यादेश जारी करके रेंजर्स को तैनात किया गया था। उन्हें पुलिस के अधिकार भी दे दिए गए थे। पाकिस्तान रेंजर्स वहां के अर्धसैनिक बल हैं, जिनकी कमान सेना के मेजर जनरल रैंक के अफसर के ही संभालते हैं। रेंजर्स की तैनाती से पहले कराची में पाकिस्तान आर्मी की 5वीं कोर पहले से तैनात थी। रेंजर्स और कराची की 5वीं कोर ने मान लिया कि कराची ही नहीं बल्कि पूरा सिंध प्रांत उनकी जागीर है। सिंध में आतंकवाद मिटाने के नाम पर पाकिस्तान की सेना पहले से विपक्षी दलों के नेताओं को मिटाने में जुटी थी। इस बार उसने सेना के चहेते इमरान खान की सरकार बचाने के नाम पर जो कांड किया वो उल्टा पड़ गया। अपमान की आग में झुलस रहे सिंध पुलिस के अफसरों ने जनरल बाजवा का ही तख्ता पलट करने के लिए हथियार उठा लिए। वहां की पुलिस को लगता है कि सिंध के आईजी को अगवा करने का फरमान बाजवा की मर्जी से ही जारी हुआ। हालांकि बाजवा का तख्ता पलट करने के पीछे पाकिस्तान की सेना के कुछ अफसरों का हाथ भी हो सकता है। ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि पाकिस्तान की सेना के कराची कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज हैं। ये पाकिस्तान आर्मी के उन 7 लेफ्टिनेंट जनरल में एक हैं जिन्होंने पिछले साल जनरल बाजवा का कार्यकाल 3 साल बढ़ाए जाने का विरोध किया था। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ बगावत, पुलिस ने सेना के खिलाफ उठाए हथियार, कराची की पुलिस से पीटे बाजवा के बुजदिल। पाकिस्तान सेना ने अपने ही देश में डाले हथियार। कराची की सड़कों पर पाकिस्तान सेना और सिंध पुलिस की गोलाबारी से पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ चुका है। देश भर में पाकिस्तान सेना के खिलाफ लोग सड़क पर आ चुके हैं। पाकिस्तान सेना प्रमुख के खिलाफ खुलकर नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान की सेना और इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के गठबंधन ने जिस दिन से हमला बोला है, उस दिन से दोनों की नींदें उड़ी हुई हैं। दोनों को, यानी कि इमरान खान और जनरल बाजवा को, अपनी कुर्सी जाने का डर लगातार सताया जा रहा है और ऐसे में अपनी कुर्सी बचाने के लिए दोनों ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए एक ऐसी साजिश रची जिसके तहत सबसे पहले मरियम नवाज के पति कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया और इसी गिरफ्तारी के बाद से जनरल बाजवा और इमरान खान की साजिश के सारे मोहरे ढेर हो गए। कराची के होटल में मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा तोड़कर उनके पति कैप्टन सफदर को तो पुलिस ने जैसे ही गिरफ्तार किया, पाकिस्तान की जनता में ये संदेश चला गया कि इमरान खान और बाजवा विपक्ष को कुचलने के लिए साजिशों का चक्रव्यूह बना रहे हैं। इस बीच मरियम के पति की गिरफ्तारी करने की पूरी घटना से जुड़ी एक ऑडियो क्लिप सामने आई जिससे इमरान और बाजवा की पोल खुल गई। सबसे पहले हम आपको इस क्लिप से सामने आया सच दिखाते हैं, इसके बाद आपको ये क्लिप भी सुनाएंगे। ये ऑडियो क्लिप सिंध के पूर्व गवर्नर की है जो पीएमएलएन के नेता हैं और उनका नाम जुबैर उमर है। जुबैर ने सिंध के मुख्यमंत्री से बात करने का दावा किया
और ये कहा कि सिंध के सीएम ने उन्हें बताया कि पाकिस्तान सेना ने कराची पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल का अपहरण कर लिया था। पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने आईजी का अपहरण कर उनसे जबरन हस्ताक्षर कराए। आईजी के जबरन हस्ताक्षर सफदर की गिरफ्तारी के वारंट पर लिए गए। इसी कागज के आधार पर सफदर को गिरफ्तार किया गया। जी, ये मुराद अली शाह ने अभी अभी मुझे कंफर्म किया है कि इन्होंने आईजी को, पहले सिंध आईजी पुलिस जो है उसको प्रेशर डालने की कोशिश की थी कि ये अरेस्ट के लिए भेजें। व्हेन ही रिफ्यूज टू डू दैट, तो 4 बजे उन्होंने रेंजर्स ने किडनैप किया है। This is what the chief minister told me, the word kidnap. I asked him again. He said yes, he was picked up and taken to the sector commander's office where additional IG was also brought in and they were forced to issue orders. इस ऑडियो क्लिप से पाकिस्तान सेना की पोल खुल गई। लोगों का गुस्सा उबलने लगा। इस बीच एक वीडियो भी सामने आ गया जिसमें इमरान खान की पार्टी के एक नेता को पुलिस पर सफदर को गिरफ्तार करने का दबाव बनाते हुए देखा गया। ये नेता इमरान खान की धौंस दिखाकर पुलिस को ये धमका रहा है कि वो मरियम नवाज के पति सफदर को गिरफ्तार करे। मैं आपको FIR रिसीव कर दी, हमने दरख्वास्त। आप कोई कंसेप्ट नहीं है सर, आप 154 अभियान रिकॉर्ड करेंगे। ये तो आपकी आसानी के लिए लेके आए हम आपके एप्लीकेशन। हाँ, तो आप 154 अभियान रिकॉर्ड करेंगे। नहीं नहीं, हमने FIR काटा नहीं है। इतना बड़ा मतलब आप लोग मदार कायद की तकद्दुस की आपको परवाह नहीं है, इसलिए कि आपकी ये अलाइंस में है। PMLN और पीपल पार्टी का रिश्ता है, सिंध में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है, पुलिस पीपल पार्टी के अंडर में है। बस ठीक है, हम FIR कटाएंगे। हम पाकिस्तान के असास के रखवाले इमरान खान के सिपाही हैं। इस वीडियो और इससे पहले आई ऑडियो क्लिप से ये बात साफ हो गई है कि मरियम नवाज के पति की गिरफ्तारी एक साजिश के तहत की गई थी जिसमें पाकिस्तान की सेना और इमरान खान दोनों शामिल थे। पाकिस्तान की सेना और इमरान खान के इस साजिश के सामने आने के बाद पहले से ही उबल रहे लोगों के अंदर गुस्से में और उबाला आ गया, जिसके बाद कराची की सड़कों पर कोहराम मच गया। इमरान खान और बाजवा की साजिश के सामने आने के बाद जनता का गुस्सा तो भड़का ही, सिंध की पुलिस भी खुलकर मैदान में आ गई। उसने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया। कराची पुलिस ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कराची के जिस आईजी का अपहरण कर जबरन दस्तखत लिए गए थे वो 60 दिन की छुट्टी पर चले गए। उनके साथ कराची पुलिस के 20 आला अफसरों ने भी छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया। इन सभी अफसरों ने अपने आवेदन में सेना के खिलाफ चिट्ठी लिखी और सफदर की गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाए। सिंध के एडिशनल आईजी की छुट्टी की एप्लीकेशन मीडिया में भी सामने आ गई, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि वो पुलिस के कामकाज में सेना के दखल से परेशान होकर छुट्टी पर जा रहे हैं। 18 से 19 अक्टूबर की रात मरियम नवाज के पति सफदर की गिरफ्तारी को लेकर जो घटनाक्रम हुआ उससे पूरे सिंध की पुलिस में गुस्सा है। सिंध के आईजी के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया उससे पुलिस के सभी अफसर और कर्मचारी हैरान है। ऐसी हालत में हमारे लिए अपनी ड्यूटी निभा पाना मुमकिन नहीं, इसलिए मुझे 60 दिन की छुट्टी दी जाए। सिंध पुलिस की इस बगावत से पूरे पाकिस्तान में तूफान खड़ा हो गया। सिंध की पुलिस और पाकिस्तान सेना के बीच सड़क पर जंग छिड़ गई। हालात तेजी से बिगड़ने लगे और कराची में धमाकों की आवाज गूंजने लगी। पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया। हर तरफ सिंध की पुलिस के अफसरों के एक साथ 2 महीने की छुट्टी पर चले जाने की चर्चा शुरू हो। सिंध पुलिस की बगावत से साफ हो गया कि सफदर की गिरफ्तारी दरअसल सरकार और सेना की साजिश थी। इससे विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया, क्योंकि वो पहले ही मरियम नवाज के पति की गिरफ्तारी से नाराज था। सेना और सरकार की साजिश का भंडाफोड़ होते ही PPP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो सबसे पहले सामने आए, क्योंकि सिंध में उन्हीं की पार्टी की सरकार है और सफदर की गिरफ्तारी को लेकर उन पर उंगली भी उठ रही थी। सेना और सरकार की साजिश का भंडाफोड़ होते ही बिलावल भुट्टो ने कमान संभाल ली। आपने ये भी देखा होगा कि मेरे पुलिस एक पर एक या इस्तीफा या छुट्टी पे जा रहे हैं, इनका इज्जत का सवाल बन गया है। मेरा इदारा का पुलिस इज एन इंस्टीट्यूशन दैट वी वांट टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। हम नहीं चाहते कि सियासी इंटरफेरेंस हो, मगर इसके ये नहीं मतलब कि कहीं और से हम इंटरफेरेंस बर्दाश्त करेंगे।
बिलावल ने भी कराची के आईजी के अपहरण को मुद्दा बना दिया। वो सिंध के आईजी से मिलने पहुंच गए और सिंध के पुलिस अफसरों के साथ उन्होंने एक फोटो ट्वीट कर पुलिस के पक्ष में जनता का समर्थन मांगा। इस बीच बिलावल का साथ देने के लिए मरियम नवाज भी सेना और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बिलावल के साथ खड़ी हो गईं। एक तरफ पाकिस्तान में सेना और सरकार के खिलाफ विपक्ष के नेताओं ने मोर्चा खोल रखा था, तो दूसरी ओर लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने भी सिंध पुलिस के साथ हुए सुलूक को लेकर इमरान सरकार पर हमले शुरू कर दिए। जो नवाज शरीफ ने कहा वो गलत है, मेरा ख्याल कोई भी नहीं आज कहेगा। जो मैं कह रहा था पिछले 3-4 आपने मेरी तकरीर सुनी है, मेरा ख्याल है कि अब आज के बाद शायद आपको कोई शको शुबा नहीं रह गया होगा कि वाकई पाकिस्तान के अंदर इस तरह स्टेट बग स्टेट। कराची से लेकर लंदन तक सिंध के आईजी को अगवा किए जाने के मामले को तूल देने से पाकिस्तान सेना और इमरान सरकार के हाथ पैर फूल गए। बिलावल ने सिंध की पुलिस को इंसाफ दिलाने का वादा करते हुए पाकिस्तान सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा को फोन किया और सिंध की पुलिस के साथ सेना के सुलूक पर सवाल उठाया। क्या गुफ्तगू हुई है बिलावल? बिलावल के फोन और कराची के हालात देखते हुए आखिरकार पाकिस्तान सेना के मुखिया को भी हथियार डालने पड़े। इसके बाद सेना को कराची कांड की जांच कराने का आदेश जारी करना पड़ा। कराची में हुई वारदात की तत्काल प्रभाव से जांच शुरू की जाएगी। जांच कराची कोर कमांडर करेंगे और ये पता लगाएंगे कि ये वारदात क्यों हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। कराची कोर कमांडर को ये निर्देश दिया गया है कि वो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दाखिल करें। बाजवा के हथियार डालने और पूरी वारदात की जांच के आदेश के बाद मामला थोड़ा ठंडा हुआ और सिंध पुलिस के अफसरों ने छुट्टी पर जाने के फैसले को 10 दिन के लिए टाल दिया। लेकिन बगावत की आग बदस्तूर जल रही है।